नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाने में उस समय एक ऐसी असहज स्थिति बन गई जिसको देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल यहां थाने में भीम सेना और आर्मी सेना के लोग पहुंच गए और जय भीम के नारे एक तरफ से लगना शुरू हुए तो दूसरी तरफ से करणी सेना ने भी नारे लगाना शुरू कर दिए। दरअसल मामला एक शख्स की मौत को लेकर था। दरअसल नाहरगढ़ में ऐसा हुआ कि शनिवार को डोल 11 के दिन नगर में विमान निकल रहे थे। इसी दिन दशरथ और गांव के जितेंद्र और विजय सिंह निवासी कोटरा बहादुर के बीच में नाचने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद दशरथ की मौत हो गई। थाने में उपस्थित लोगों का कहना था कि विवाद में ऐसा क्या हुआ जो दशरथ को हत्या या आत्महत्या करनी पड़ी। इसी बात को लेकर भीम आर्मी सेना, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन रैदास और अन्य लोग दशरथ का शव लेकर नाहरगढ़ थाना परिसर पहुंच गए। कुछ समय बाद करणी सेना के जिलाध्यक्ष के साथ क्षेत्र के लोग भी पहुंच गए और उसके बाद दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। भीम सेना के लोग थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। इस मौके पर मंदसौर एडिशनल SP पहुंचे, वहां परिजनों से चर्चा की जिसके बाद मामला शांत हुआ। लगभग 5 घंटे तक शव लेकर थाने में मौजूद रहे परिजनों ने घटना पुलिस को बताई। उनका कहना था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और इसकी जांच कराई जाए। वहीं करणी सेना का भी कहना है कि जब जांच पूरी हो उसके बाद ही हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए अगर हत्या होना पाया जाता है। दोनों ओर जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही थी उसको देखते हुए नाहरगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्र के SDOP शेर सिंह भूरिया, एडिशनल SP मनोकामना प्रसाद, सीतामऊ SDM नायब तहसीलदार सहित सीतामऊ TI अफजलपुर दालौदा थाने से SI ASI के साथ पुलिस लाइन से बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स नाहरगढ़ थाने पहुंच गई थी। मामला कोटरा बहादुर गाँव में सुनने में आया है, कल शाम को जुलूस निकल रहा था, जुलूस के दौरान दशरथ के साथ मारपीट हुई जुलूस में ही तथा उसके पश्चात घर पे आने के बाद घर पे भी मारपीट हुई। जो प्राथमिक दृश्य देखने में मिल रहा है उससे साफ दिख रहा है उसका मर्डर हुआ है। भीम आर्मी बिल्कुल चूक बैठने वाली नहीं है, भीम आर्मी ईंट से ईंट बजाएगी। अभी हम लोग यहाँ से लाश को लेकर PM कराने ले जा रहे हैं, उसके पश्चात थाने का घेराव करेंगे और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, नाम जज हम लोगों ने नाम दिए है पुलिस को, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग लाश को नहीं जलाएंगे। पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तब तक हम लोग उस लाश को जलाएंगे नहीं, तब तक हम लोग थाने में लेके बैठे रहेंगे। एक सभा आयोजन हुआ था, रैली वगैरह निकलती है, धार्मिक रैली में शामिल हुआ था। एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा उसको साथ झगड़ा किया गया, मारपीट करी गई और उसके बाद उसको घर पे आके भी मारपीट करी गई और रात में बच्चा मृत पाया गया और कहीं कहीं ये हत्या की शंका इसमें जाहिर होती है। और केस के लिए हमने SDOP TI और SP महोदय से चर्चा करी है और इसमें निष्पक्ष जांच की मांग करी है। कुछ ग्रामीण जन नाहरगढ़ थाने में आए थे, उनका ये अपेक्षा थी कि एक घटनाक्रम कल दिनांक 29/8/2020 को हुआ था। घटनाक्रम इस प्रकार था, एक मृतक है दशरथ, उसका कल विवाद दो व्यक्ति विजय सिंह और जितेंद्र सिंह से हुआ था। उसके पश्चात वो विवाद के पश्चात घर चला गया था और सुबह उसके जो परिजन उसको देखने गए तो वो मृत अवस्था में मिला था। मृत अवस्था में संदिग्धता थी, उस संदिग्धता का परीक्षण थाना प्रभारी एवं सैनिक अधिकारी द्वारा किया गया। परीक्षण के उपरांत तथ्य प्रकाश में आया कि ये ना नेचुरल डेथ से अननेचुरल डेथ है, साथ में स्ट्रेंगुलेशन के संबंध में डॉक्टर का भी मत दिया गया। परिजनों कथन और डॉक्टर का भी मत के उपरांत थाना नाहरगढ़ में धारा 302 की अपराध पंक्ति किया गया है।